कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर आप बात करते हो तो कंजर्वेशन का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब लीनियर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम एफ है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो किसी सिस्टम के ऊपर तो उसका पी क्या होगा? कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब कंजर्व है। तो मोमेंटम कंजर्व है या कॉन्स्टेंट किसके लिए है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन कौन से हैं? इसके लिए पहला आइसोलेटेड सिस्टम जो मैं लेने जा रहा हूं वो है गन और बुलेट का कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास एक गन है और बीच में क्या है, एक बुलेट है, दोनों रेस्ट में पड़े हुए हैं, जब गोली चलेगी तो बाय रिएक्शन गन पीछे आएगी। अब मैंने जाके गोली को पकड़ा नहीं, ना मैंने गन को फेंका, ये एक्शन के बदले में रिएक्शन लग रहा है। तो जितना एक्शन लगेगा बाय रिएक्शन, नेचुरली उतना रिएक्शन लगेगा। तो हमारी इसमें फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो जीरो रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और जब मैं ये बोलता हूं कि इस सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो गोली चलने से पहले इस बुलेट का मोमेंटम जीरो है, गन का मोमेंटम भी जीरो है, तो गोली चलने से पहले दोनों बॉडीज का पूरे सिस्टम, सिस्टम में कौन चीजें, दो चीजें आ रही हैं सिस्टम में, एक गन आ रही है और एक बुलेट आ रही है, और दोनों का मोमेंटम एग्जैक्टली जीरो है। तो गोली चलने के बाद भी नेट मोमेंटम क्या होगा? जीरो ही आना चाहिए। तो इसके लिए अगर गोली चलती है, बुलेट चलती है विद मोमेंटम एम वन वी वन, तो गन पीछे ही आएगी एम टू वी टू के साथ, सच दैट एम वन वी वन और एम टू वी टू के नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से साइन क्या लगेगा? नेगेटिव। वो क्यों? कि अगर बुलेट ने मोमेंटम जनरेट किया 10, तो गन ने जनरेट करना है -10। माइनस साइन का मतलब क्यों? माइनस साइन का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि कैंसिल होने के बाद 10 और -10 आंसर क्या दें? जीरो। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर इसने बुलेट ने मोमेंटम जनरेट करवाया 10, तो इसने गन ने कितना जनरेट करवाना है? -10, ताकि नेट वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगी? जीरो। तो ये इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि गोली चलने से पहले मोमेंटम दोनों चीजों का और गोली चलने के बाद सम ऑफ मोमेंटम दोनों चीजों का एग्जैक्टली सेम है। तो नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि गन कहाँ रही है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और नेट आंसर को जीरो करने के लिए सबको पता है कि जो भी ये मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा इन नेगेटिव साइन, ताकि नेट आंसर जीरो आएगा। तो आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि एम टू वी टू को लेफ्ट पे ले जाओ, एम वन वी वन एम टू वी टू, लेकिन आपने थोड़ा इनकम्प्लीट पढ़ा है। आपको ऐसे नहीं सिखाते, आपको बस ये सिखाते हैं कि गन और बुलेट चलती है तो M1 V1 M2 V2 लगा लो, पर एक्चुअल में रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर ये स्केलर लिया मैंने, स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड लिया मैंने, और ये भी मैंने मैग्नीट्यूड लिया, और नेगेटिव साइन के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए साइन मैंने नेगेटिव लिया। अब क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है एक्चुअल में, तो मेथड टू कहता है कि इसको वेक्टर की फॉर्म में करते हैं। वेक्टर की फॉर्म में बुलेट और गन का मोमेंटम नल वेक्टर है शुरू में, ठीक है, ना गोली चली ना गन पीछे गई। जब गोली चली तो मोमेंटम वेक्टर कितना है बुलेट का? M1 V1 वेक्टर, और गन का कितना है? M2 V2 वेक्टर। इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना, क्योंकि वेक्टर खुद अपने नेगेटिव खुद एज्यूम करता है, बिकॉज वेक्टर लेने का मतलब डायरेक्शन इंक्लूडेड है। यहां अलग से नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं थी M2 V2 में। तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल वेक्टर सम की वैल्यू जीरो है, तो फाइनल वेक्टर सम दोनों बॉडीज का जीरो ही आएगा। अब यहां पर जब लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो साइन ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन इसकी राइट की तरफ है तो नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये शो कर रहा है। तो नॉर्मली जब न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ये नहीं लगते, न्यूमेरिकल में हम ऐसा ही करेंगे M1 V1 M2 V2। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको ये पता लगता है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम गोली चलने से पहले और बाद में कांस्टेंट क्यों हुआ। तो पहला एग्जांपल क्लियर है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ना किताब में आपको ऐसे मिलने वाली है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर कोई केस आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसको आज हम ट्राई भी करेंगे आज के न्यूमेरिकल्स में। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, जैसे सेकंड एग्जांपल है बॉम्ब एक्सप्लोजन इन टू पार्ट्स। मान लो कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक बॉम्ब पड़ा हुआ है रेस्ट पे और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं,
जब बॉम्ब के दो टुकड़े होते हैं तो एक टुकड़ा अगर राइट जाएगा तो गारंटेड दूसरा टुकड़ा लेफ्ट ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉम्ब के दो टुकड़े हुए और दोनों के दोनों टुकड़े एक तरफ गिर गए, नहीं हो पाएगा। रीजन, बॉम्ब जब दो पीसीज में ब्रेक होता है तो मैं जाके दो टुकड़ों को उठा के नहीं फेंकता, तो मेरी फोर्स तो इसमें क्या रहती है, एक्सटर्नल जीरो। एक एक्शन लगाता है M1V1 तो बदले में दूसरा रिएक्शन लगाता है M2V2। तो ऐसे केस में बॉम्ब के अगर दो टुकड़े होते हैं तो रेस्ट पे पड़ा हुआ अगर बॉम्ब है तो उसका मोमेंटम क्या है, जीरो। दोनों टुकड़े पहले इनिशियली रेस्ट पे थे तो मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो एंड जीरो। फिर क्या हुआ, एक टुकड़ा M1V1 है जो मान लो राइट की तरफ है, तो दूसरे टुकड़े को लेफ्ट की तरफ आना ही पड़ेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। क्लियर है? तो आपके सामने ही है कि बॉम्ब फटने से पहले अगर मोमेंटम जीरो है, बॉम्ब फटने के बाद अगर जीरो करना चाहते हो तो एक मोमेंटम अगर मान लो 10 है तो दूसरे टुकड़े का मोमेंटम -10 आना चाहिए ताकि नेट आंसर फिर से क्या आ जाए, जीरो। अगेन गोली वाला सेम हिसाब है, M1V1 इज M2V2 कैन बी अप्लाइड ऑन गन एंड बुलेट एज वेल एज ऑन बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर है कि अगर बॉम्ब दो पार्ट्स में जो है दो पार्ट्स में टूटेगा तो क्या इक्वेशन इसमें अप्लाई करनी है। ऑनलाइन क्लियर है? Yes. अब मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें बॉम्ब के दो नहीं, जिसमें बॉम्ब के तीन टुकड़े होते हैं। आपको कैसे, चार पांच भी हो सकते हैं, नहीं चार पांच पे क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम दो और तीन पे आता है। दो पे आता है तो M1V1 M2V2 की इक्वेशन है, अगर तीन पे आता है तो देखो क्या करना है। बॉम्ब एक्सप्लोजन अगर तीन में करना है तो रूल नंबर वन, जिसमें सपोज ये आपके पास एक बॉम्ब है और जो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, और क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक टुकड़ा M1 V1 के साथ मूव करता है राइट, एक टुकड़ा M2 V2 के साथ मूव करता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये रहा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये रहा, ठीक है यहाँ तक। और वेक्टर सम इसका क्या होगा, क्योंकि इसमें तीन टुकड़े हुए तो ये दो टुकड़ों का रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो नेट मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, इनका वेक्टर सम, यानी कि M1V1 का स्क्वायर प्लस M2V2 का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है? दोनों जो दो टुकड़े गए परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में गिवन होगा कि दो टुकड़े परपेंडिकुलर ही होंगे, तो अगर दो टुकड़े परपेंडिकुलर हैं और वो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इसका नेट रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है, तो तीसरे पार्टिकल का नेट रिजल्टेंट M3 का V3 इधर होगा ही होगा, ताकि ये वेक्टर इस वेक्टर को पूरी तरह क्या कर जाए, कैंसल। वो क्यों, सोचो अगर आपके पास बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ है इनिशियली, तो उसका नेट मोमेंटम क्या है, जीरो, तीनों टुकड़ों का जीरो। फिर जब बॉम्ब फट गया तीन हिस्सों में, इन दोनों ने नेट मोमेंटम क्या लगाया, M1V1 का स्क्वायर प्लस M2V2 का स्क्वायर लगाया, मान लो इसकी वैल्यू सॉल्व करके 10 आ गई, तो तीसरे टुकड़े की वैल्यू इन ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी ही होगी, मान लो -10, ताकि 10 और -10 नेट आंसर क्या देगा आपका, जीरो। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन समझ में आ रहा है ये नेट आंसर जीरो कैसे आएगा? Yes, sir. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बॉम्ब के तीन टुकड़े होते हैं, तीनों टुकड़े पहले इनिशियली रेस्ट पे हैं, फिर तीन में से दो टुकड़े क्वेश्चन में गिवन है कि वो परपेंडिकुलर जाएंगे, ये गए, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम वेक्टर सम से निकाल लिया, तो मान लो इसको सॉल्व करके आंसर 10 आता है, सारी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, M1V1 M2V2, आंसर 10 आता है। तीसरे टुकड़े का मोमेंटम यहां पर 10 होगा ही होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि नेट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, जीरो। तो आपके पास नेट आंसर जीरो के लिए ये इक्वेशन बनेगी। M3V3 इधर ले जाओ, तो M3 into V3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 into V1 का स्क्वायर प्लस M2 into V2 का स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल जब आएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में प्रैक्टिस कि कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो तीसरा टुकड़ा इसके ऑपोजिट जाएगा ही जाएगा, ताकि इस वेक्टर की वैल्यू को इस वेक्टर की वैल्यू से पूरी तरह क्या कर सके, कैंसल। क्लियर है यहां तक?
ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट, कोलिजन इन 1D, जब भी दो तीन चार एन नंबर ऑफ बॉल, जितने मर्जी बॉल्स को फेंक दो, फेंक के छोड़ देना है, फिर भूल जाना है कि चली गई, जब वो आपस में टक्कर खाएंगी और सेपरेट होंगी, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब बॉल्स की टक्कर होती है, ऐसी थोड़ी ना होती है कि आपने बॉल्स को हाथ में पकड़ा, टक्कर करवाया और अपनी मर्जी से फेंक दिया ना, ये आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड है बॉल्स को एक बार फेंक दिया, वो नेचुरली आई, कोलिजन हुई और नेचुरली कोलाइड होके वापस चली गई, जितनी तेज आएंगी उतनी तेज होके वापस भी जाएंगी, ये आइसोलेटेड है। तो जब भी दो या तीन बॉल्स आपस में टक्कर खाएंगी, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज बॉल्स की कोलिजन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, मान लो पहली बॉल M1 मूव कर रही है विद U1, और ये मोशन इन 1D है तो एक्स एक्सिस में, और दूसरी बॉल M2 मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ U2। टक्कर के बाद क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई V1 और इसकी V2 हो गई, दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी आफ्टर कोलिजन। अब क्योंकि टक्कर होना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम टक्कर होने से पहले और नेट मोमेंटम टक्कर होने के बाद विल रिमेन सेम। टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का नेट मोमेंटम क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इनिशियल मोमेंटम, M1 V1 प्लस M2 V2 फाइनल मोमेंटम। तो ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे अगर बॉल्स की क्या गिवन है, कोलिजन। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, सपोज एक बॉल है 2 kg और ये मूव कर रही है विद 10 meters per second, दूसरी बॉल है 5 kg, ये मूव कर रही है विद 2 meters per second। आफ्टर कोलिजन 2 kg बॉल की वेलोसिटी मान लो 3 meters per second हो गई, और उसी तरीके से 5 kg की वेलोसिटी v हो गई, राइट, v हो गई। तो आपको ये बताना है कि v की वैल्यू क्या होगी आफ्टर कोलिजन, इनकी टक्कर होने के बाद क्या होगी। टक्कर होने से पहले मोमेंटम क्या होगा, 2 × 10 + 5 × 2। टक्कर होने के बाद क्या होगा, 2 × 3 + 5 × v। तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, सपोज करो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा भी आ सकता है, सपोज 5 kg की बॉल है इज मूविंग विद 10 meters per second और यहां पर 2 kg की बॉल है इज मूविंग विद 3 meters per second लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे हेड ऑन कोलिजन होगी, इनकी आपस में कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद 5 kg का ब्लॉक पीछे मुड़ गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 meter per second और 2 kg का ब्लॉक इस तरफ ऑब्वियसली जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ v, तो v निकालो। इस टाइप की प्रॉब्लम में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। देखो कोई भी टाइप की कोलिजन हो, मोमेंटम तो टोटल कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद। हम क्या करते हैं कि इधर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव। तो अगर इधर के मोमेंटम है पॉजिटिव है और इधर के मोमेंटम नेगेटिव है बिकॉज डायरेक्शन चेंज है, तो इनिशियल मोमेंटम टक्कर से पहले फर्स्ट बॉल का कितना है, 5 × 10 इन राइट डायरेक्शन तो पॉजिटिव, सेकेंड बॉल का मोमेंटम कितना है, 3 × 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। कोलिजन होने के बाद इस बॉल का मोमेंटम क्या आएगा, -5 × 1 और इस बॉल का मोमेंटम क्या आएगा, 2 × v। तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? जिसका भी मोमेंटम इधर को होगा इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव, और जिसका इधर होगा वो पॉजिटिव। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। अब ये जो मैंने कोलिजन्स का एग्जांपल लिया, इसमें केवल दो ही बॉलें हैं, टक्कर दो बॉल की हो रही है और वो भी 1D में इस एक्सिस पे है। ऐसा भी तो एग्जांपल होता है कि अगर मान लो एक पूल टेबल है, स्नूकर खेल रहे हो,
एक बॉल पड़ी हुई है, दूसरी बॉल आती है टेबल के ऊपर को हिट करती है, एक बॉल इधर एक इधर टेबल के ऊपर जाती है, इसको बोलते हैं कोलिजन इन 2D। 2D में क्या होता है कि ये आपका जो कोई भी बोर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है और आपकी बॉल्स एक्स वाई प्लेन में मूव, कैरम बोर्ड की जो गीटियां हैं वो एक्स वाई प्लेन में मूव करती हैं, तो वो कोलिजन 2D में मानी जाती है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो 2D के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल है कोलिजन, कोलिजन इन 2D, टू डायमेंशन। ये कायदे से तो इसको अभी कराना बनता नहीं है क्योंकि कोलिजन चैप्टर आने वाला है 1.5 महीने के बाद, उसमें प्रॉपर ये सारे न्यूमेरिकल कोलिजन के हम सारे करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ आइसोलेटेड सिस्टम की, कोलिजन गोली का चलना या इस तरीके से मूव करना, तो मैं उस टाइम ये नहीं अच्छा लगता बताता कि चलो जी एक फिर से करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं इसलिए लिस्ट इकट्ठी करवा रहा हूँ, ये बता तो रहा हूँ कोलिजन इन 2D, पर इसकी डिटेल और ये सेम एग्जाम्पल मैं फिर से करवाऊंगा जब कोलिजन इन 2D स्टार्ट होगा। अभी जैसे ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या इसमें। कोलिजन इन 2 डायमेंशन के अंदर सपोज करो आपके पास एक बॉल है, ये एक बॉल है और इसका मास है m1, और सपोज ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ u1, और जो टेबल है उसके ऊपर बॉल पड़ी है, ये बॉल पड़ी है रेस्ट, एक बॉल आती है ऐसे टक्कर मारती है, एक बॉल इधर एक इधर, तो आपको टॉप व्यू से सारा दिखाई देना चाहिए कि बॉल इधर जा रही है इधर जा रही है। मैंने टॉप व्यू पे कैमरा लगाया, फोटो खींची और ये ऐसे दिखा रहा हूं, तो प्लीज ये जो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, प्लीज ये इसका टॉप का व्यू दिखा रहा हूं। ये ऐसे नहीं है कि बॉल आई और एक उछल के इधर जा रही है इधर जा रही है, तो सब कुछ किस पे हो रहा है, एक प्लेन के ऊपर हो रहा है। तो सपोज करो ये m1 है और m2 किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। m1 ने m2 को टक्कर मारी तो हुआ क्या, m1 जो m1 बॉल है वो इधर चली जाएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर, ठीक है, ये ना सोचे ऊपर गई, ये इधर गई, तो ये टॉप व्यू देख रहे हैं तो टेबल के ऊपर चल रहा है। और मान लें m2 बॉल इधर चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 वेक्टर, ये गिवन है, सच दैट क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो एंगल है, जो एंगल है वो इस बॉल ने बनाया θ1 विद एक्स एक्सिस और इसने बनाया θ2 विद एक्स एक्सिस, क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो सिचुएशन क्लियर है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या है, ये सब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। प्लीज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कोलिजन चाहे 1D में हो कोलिजन चाहे 2D में हो, मोमेंटम तो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा ही होगा, एंड मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट मोमेंटम कांस्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम वेक्टर एक्स में अलग है और वाई में अलग है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में करेंगे तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे एक्स में अलग और वाई में अलग। जब मैं ये बोलूंगा 2D में कि टोटल नेट मोमेंटम कांस्टेंट है तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कांस्टेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग भी कांस्टेंट है, दोनों के अलोंग कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है। मेरे कहने का मतलब कि जैसे प्रोजेक्टाइल में हम अपने क्वेश्चन को 2D में कैसे करते थे, एक्स में अलग करते थे वाई में अलग करते थे, सिमिलरली मोमेंटम कंजर्वेशन भी अगर एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो एक्स में अलग करेंगे कॉन्स्टेंट, वाई में अलग करेंगे, कैसे करेंगे ये अभी बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लगाने के लिए इसका मोमेंटम है कितना, m1 v1 वेक्टर, इसका मोमेंटम कितना है, m2 v2 वेक्टर। इसके अंदर m1 v1 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट ये रहा और दूसरा एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर ये रहा, जिसके अंदर ये रहा m1 v1 cos ऑफ θ1 और ये रहा m1 v1 sin ऑफ θ1, क्या ये पॉइंट क्लियर है, m1 v1 cos θ1 m1 v1 sin θ1। सिमिलरली m2 ये जो वैल्यू है m2 v2
इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर ये रहा। पहले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है एम टू वी टू कॉस ऑफ थीटा टू, और दूसरे की वैल्यू कितनी है एम टू वी टू साइन ऑफ थीटा टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो क्योंकि मैंने अपने मोमेंटम के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए तो देखो मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है इसके साथ काम करने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया क्या किया कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए। तो अब मैं एक्चुअल वेक्टर के साथ काम करने नहीं वाला, बस मेरा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा इजी हो गया, बस ये देखना ही नहीं मुझे, क्योंकि मैंने मोमेंटम के कंपोनेंट्स ले लिए तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बस अब मैं कंपोनेंट्स का काम करूंगा। क्लियर है? अब डायग्राम और क्लियर दिखेगा आपको। तो ऑनलाइन क्लियर है ये डायग्राम? यस सर। ठीक है, अब बस आखिरी स्टेप देखो इसको लगाना कैसे है। जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर में इसका कोई एप्लीकेशन आपको मिलेगा नहीं, ये 2 महीने बाद काम आएगा, अभी बस एक बार ब्रीफ में सुन लो, 2 महीने बाद दोबारा करवाना ही पड़ेगा मेरे को, भूल जाएंगे तब तक। तो इसके अंदर जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, पहले मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बनेगी, फिर आपकी इक्वेशन किस एक्सिस के अलोंग बनेगी, वाई के अलोंग बनेगी, क्योंकि 2D चल रहा है, 2D में एक्स अलग करते हैं वाई अलग करते हैं। तो शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग टक्कर होने से पहले मोमेंटम कितना है, इस बॉल का मोमेंटम कितना है फर्स्ट का m1 u1, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है। सेकेंड बॉल का मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि ये किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट। तो एक्स एक्सिस में टोटल मोमेंटम आ गया इनिशियल फाइनल। एक्स एक्सिस जब मैं एक्स बोल रहा हूं तो ये नहीं देखने आप, एक्स ही देखने हैं। एक्स एक्सिस में फाइनल मोमेंटम m1 v1 cos ऑफ θ1 प्लस m2 v2 cos ऑफ θ2। तो फाइनल मोमेंटम एक्स के अलोंग क्या रहेगा एग्जैक्टली सेम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोई डाउट इसमें? तो कैसे लगी इक्वेशन, समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? टक्कर से पहले इस बॉल का मोमेंटम m1 u1, इसका 0, टक्कर के बाद इन दोनों का मोमेंटम डन। अब जब मैं वाई एक्सिस का मोमेंटम कांस्टेंट करता हूं, अब नेक्स्ट टाइम मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, टक्कर से पहले कोलिजन से पहले वाई के लॉन्ग मोमेंटम, कोलिजन के बाद वाई के लॉन्ग मोमेंटम सेम है, फिर से शुरू करते हैं। कोलिजन से पहले वाई के अलोंग फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या है 0। मैंने पूछा वो क्यों, क्योंकि किसी ने कहा ये मूव किस एक्सिस के अलोंग कर रहा है x, ये y में मूव ही नहीं कर रहा था, तो y का इनिशियल मोमेंटम 0। मैंने पूछा सेकंड बॉल का कितना है, तो भी 0, क्योंकि सेकंड बॉल किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, 0। नेक्स्ट है फर्स्ट बॉल का मोमेंटम m1 into v1 into sin of theta 1। तो ये रहा फर्स्ट बॉल का मोमेंटम m1 v1 sin theta 1, और सेकंड बॉल का मोमेंटम -m2 v2 sin of theta 2। माइनस साइन क्यों, क्योंकि एक ऊपर तो दूसरा नीचे, और वैसे भी अंडरस्टूड है वो क्या कि अगर आपका एक इनिशियल मोमेंटम 0 है और एक मोमेंटम की वैल्यू अगर 10 है तो दूसरे को -10 होना ही पड़ेगा, ताकि नेट आंसर कैंसिल होने के बाद क्या आ जाए 0। क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन क्लियर है? कैसे लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स और वाई में डिफरेंट तरीकों से?